रेडीमेड वाले जो पजामे होते हैं ना, खास करके वो जो सर्दियों के थर्मल्स होते हैं, पजामे होते हैं, वो 2-1 साल बाद उनका इलास्टिक बिल्कुल खराब सा हो जाता है, लटकने लग जाते हैं। तरीका तो देखिए वैसे होता है कि सारी सिलाइयां उधेड़ी जाए, इलास्टिक को बाहर निकाला जाए और फिर नया इलास्टिक लगाया जाए, आधा इंच का या फिर 1/4 इंच का, 1 इंच का, जितना चौड़ा भी आपका थर्मल्स, जनरली 1/4 इंच से 1/2 इंच इलास्टिक में आपका काम हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये बड़ा ना बड़ा मुश्किल सा काम होता है, औखा सा काम होता है कि आप पूरा इलास्टिक निकालो। तो मैं दूसरा इनोवेटिव सा तरीका बताती हूँ आपको कि इलास्टिक को जितनी आपकी कमर है, जितनी कमर चाहिए उससे 2 इंच कम लेते हुए आप इलास्टिक को ऊपर की तरफ रखो, जो कमर है उसके ऊपर की तरफ रखो और घुमाते हुए इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा लो। इस वीडियो के अंदर मैं कई सारी टिप्स बताऊंगी, तो आप वो टिप्स यदि फॉलो करते हो ना, तो फिर आप बड़ी आसानी से अपने घर के जो थर्मल्स होते हैं, पजामे होते हैं सर्दियों के खास करके, उनको बड़े मजे से उनका इलास्टिक ठीक कर लोगे, चाहे वो बच्चों के हैं चाहे बड़ों के। अच्छा, अब ये इलास्टिक जो है, इलास्टिक को पूरा बराबर कर लो, जितनी कमर है आपकी, जितनी कमर है मतलब पजामे की, उसके सब तरफ से बराबर बराबर आपकी ये चुन्नट सेट हो जाएगी। पीछे की तरफ बीचों बीच आपको एक सिलाई लगानी है ताकि आपका इलास्टिक बीच में से हिले नहीं, सेट हो जाए। अब फिर पीछे की तरफ से ही आपको इलास्टिक के ऊपर वाली तरफ से सिलाई लगाते हुए आगे की तरफ आना है। तो जो पजामा है, पजामा तो देखिए ढीला ही है ना इलास्टिक के मुकाबले, तो आपको इलास्टिक थोड़ा सा खींचना पड़ेगा और फिर आपको आगे तक जब आप आओगे तो वहां तक खींचते खींचते सिलाई लगानी है। तो इसमें तरीका ये होता है कि जब सुई अंदर हो ना, तो आप पीछे से और आगे से कपड़े को खींचो, इलास्टिक को खींचो कपड़े के ऊपर रखते हुए और आप सीधी लंबी सिलाई लगा दो। और यहां से फिर आप एक बार फिर से अपने इलास्टिक के ऊपर पीछे की तरफ वापस जाओगे, फिर से आपको इलास्टिक खींचना होगा, चुन्नटे बराबर आ जाए आपके पजामे की, दोनों तरफ आपकी सिलाई लग गई। तो देखिए अब आपकी जितनी कमर है, आपने कमर के हिसाब से 2 इंच आपने कम रखा है और ये आपका बिल्कुल फिट बन जाएगा पजामा। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा वीडियो, सब्सक्राइब रहिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सके। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।